दोस्तों, सन 1870 में सैयद अमीर अली ने हिंदुस्तानी मुसलमानों की सियासी तरक्की के लिए काम करने के लिए सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन कायम की, जिन्हें 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ नाकाम सियासी बगावत के नतीजे में शदीद नुकसान उठाना पड़ा था। अंग्रेज़ों को गैर मुल्की हमलावर के तौर पर देखा जाता था, लेकिन ये तंजीम 19वीं सदी के आखिर में जवाल पजीर हुई। सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद एक फोरम के तौर पर रखी गई, जो बाद में एक कौम परस्त मकसद को फ़रोग देने के लिए एक पार्टी बन गई। अगरचे कांग्रेस ने बरतानवी राज से आज़ादी की जद्दोजहद में मुस्लिम कम्युनिटी को शामिल करने की कोशिश की और कुछ मुसलमान कांग्रेस में बहुत सरगर्म थे, ताहम मुस्लिम रहनुमाओं की अक्सरियत बशमूल बासर सर सैयद अहमद खान इस पार्टी पर एतमाद नहीं करते थे। दोस्तों, 1900 में एक अहम मोड़ आया जब आगरा और ऊध के मुतहदा सूबों में बरतानवी इंतज़ामिया ने हिंदू मुतालबात को तस्लीम किया और हिंदी को देवनागरी रस्मुलख़त में लिखी गई हिंदुस्तानी जबान का वर्जन सरकारी जबान बना दिया। एक नई हिंदू इस्लाही तहरीक के कारकुनों की तरफ से खित्ते में मजहब की तब्दीली ने भी मुसलमानों के अपने अकीदे के बारे में पंचायत को जन्म दिया। बिलाखिर मुसलमानों को खौफ हुआ कि हिंदू अक्सरियत अंग्रेज़ों के जाने के बाद इस खित्ते में मुसलमानों के हकूक़ को दबाने की कोशिश करेगी। दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद शायख मुस्तफ़ा ने 30 दिसंबर 1906 को बंगाल की तकसीम के बाद शाहबाग ढाका मशरकी बंगाल में सालाना ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के मौके पर रखी गई थी। इस अजलास में 3000 मंदूबीन ने शिरकत की और इसकी सदारत नवाब वकारुल मुल्क ने की। इजलास में मुसलमानों के मफादात के तहफ़ के मसले पर तवज्जो दी गई और एक प्रोग्राम को हतमी शक्ल भी दी गई। एक करारदाद नवाब सलीमुल्लाह ने पेश की और हकीम अजमल खान ने इसकी तायीद की। इस मौके पर नवाब वकारुल मुल्क ने वाज़ किया कि मुल्क की कुल आबादी के मुकाबले में मुसलमान सिर्फ 5वें नंबर पर हैं और ये बात साफ अयां है कि अगर किसी वक्त भी हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत का वजूद ख़त्म हो जाता है तो हिंदुस्तान की हुकूमत इसी बरादरी के हाथ में चली जाएगी जो कि हमसे तकरीबन 4 गुना बड़ा है। हमारी जान, हमारी इमलाक, हमारी इज्जत और हमारा ईमान सब कुछ शदीद खतरात लाख होंगे, जबकि अब भी एक ताकतवर बरतानवी इंतज़ामिया अपनी राया की हिफाजत कर रही है। हम मुसलमानों को इसका सामना करना पड़ेगा। हम मुसलमानों को अपने मफादात को अपने पड़ोसियों की गिरफ्त से बचाने के लिए सख्त तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की तहरीर करदा ग्रीन बुक में लीग का आइन और असूल मौजूद थे। इस मरहले पर इसके अहदाफ में एक आज़ाद मुस्लिम रियासत का क़याम शामिल नहीं था, बल्कि मुसलमानों की आज़ादियों और हकूक़ के तहफ़ मुस्लिम कम्यूनिटी और दीगर हिंदुस्तानियों के दरमियान अफहाम व तफहीम को फ़रोग देने, हकूमत के इकदाम के बारे में मुस्लिम और हिंदुस्तानी बरदरी को बड़े पैमाने पर तालीम देना और तशद्दुद की हौसला शिकनी। ताहम अगले 30 बरसों में कई अवामल बशमूल फ़िरका वाराना तशद्दुद लीग के मकासद का असर नौ जायज़ा लेने का बायस बने। इब्तदा में वो मुसलमान जो कांग्रेस के मुकाबले में लीग में शामिल नहीं हुए उनमें एक मुमताज़ सियासतदान और मुंबई के बैरिस्टर जनाब ही थे। इसकी वजह यह थी कि लीग के प्लेटफॉर्म का पहला मजमून था हिंदुस्तान के मुसलमानों में बरतानवी हुकूमत के साथ वफादारी के जज्बात को फ़रोग देना। लीग 5 साल तक बरतानवी इंतजामिया की वफादार रही, यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने बंगाल की तकसीम को वापस लेने का फैसला किया। मुस्लिम लीग ने बरतानवी फैसले को हिंदुओं के लिए जुज़्वी तौर पर देखा। 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तहरीक के अंदर हिंदू सरगिर लोगों का हमख्याल ग्रुप उससे अलग हो गया और उन्होंने खुलकर हिंदू नवाज तहरीक को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इस ग्रुप की सरबराही बेतरतीब पंजाब, मुंबई और बंगाल सूबों के लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बबन चंद्र सिंह पाल ने की। इनका असर रसूख दूसरे हमख्याल हिंदुओं में तेजी से फैल गया। उन्होंने इसे हिंदू कौम परस्ती कहा और ये मुसलमानों की शदीद तशवीश का बायस बन गया। ताहम जना ने 1913 तक लीग में शमूलियत अख्तियार नहीं की। जब पार्टी ने 1905 के बंगाल की तकसीम को वापस लेने के बरतानवी फैसले के खिलाफ रद्द अमल के तौर पर अपने प्लेटफॉर्म को हिंदुस्तानी आज़ादी में से एक दौर में तब्दील कर दिया, जिसे लीग ने बंगाली मुसलमानों के साथ गद्दारी करार दिया। हिंदू आबादी के पुरजोर मुजाहरों और खुफिया ग्रोहों जैसे अनुशल समेती और उसकी ब्रांच जोगंतर ऑफ अरुबंद और उसके भाई वगैरह के जरिए तशद्दुद के बाद
अंग्रेजों ने बंगाल को दोबारा मुतहद करने का फैसला किया था। इस मरहले तक जना एक आजाद मुतहद हिंदुस्तान के हसूल के लिए बाहमी तावन पर यकीन रखते थे। हालांकि उन्होंने दलील दी कि मुसलमानों को किसी भी हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में एक तिहाई नशिस्तों की जमानत दी जानी चाहिए। मुस्लिम लीग रफ्ता रफ्ता हिंदुस्तानी मुसलमानों की सरकर्दा नुमाइंदा तंजीम बन गई। जनाब 1916 में इसके सदर बने और कांग्रेस के रहनुमा बाल गंगाधर तिलक के साथ लखनऊ मुआहदे पर बातचीत की, जिसके जरिए कांग्रेस ने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग वोटर और वेटेड नुमाइंदगी के हसूल को तस्लीम किया। ताहम जिन्ना ने 1920 में कांग्रेस से इस वक्त ताल्लुक तोड़ दिया जब कांग्रेस के रहनुमा मोहनदास गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अदम तावन की तहरीक की खिलाफ वर्जी करने वाले कानून का आगाज किया, जिसे एक मजाजी तौर पर कानून पसंद बैरिस्टर जना ने मुस्तरद कर दिया। जना को यह भी यकीन हो गया कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए लदा इंतखाबी हलकों के लिए अपनी हमायत तरक कर देगी, जो कि उसने 1928 में की थी। 1927 में अंग्रेजों ने साइमन कमीशन की सिफारिश के मुताबिक हिंदुस्तान के लिए एक आयन तजवीज किया, लेकिन वो तमाम जमायतों से मुफाहमत करने में नाकाम रहे। इसके बाद अंग्रेजों ने मामला लीग और कांग्रेस के हवाले कर दिया और 1928 में दिल्ली में ऑल पार्टी कांग्रेस बुलाई गई। ये कोशिश नाकाम रही, लेकिन दो और कॉन्फ्रेंसेस हुई और मई में मुंबई कॉन्फ्रेंस में इस बात पर इत्तफाक हुआ कि एक छोटी सी कमेटी आइन पर काम करे। कांग्रेस के मुमताज रहनुमा मोतीलाल नेहरू ने इस कमेटी की सरबराही की, जिसमें दो मुसलमान सैयद अली इमाम और शोएब कुरैशी शामिल थे। मोतीलाल के बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके सेक्रेटरी थे। ताहम लीग ने कमेटी की रिपोर्ट नाम नेहाद नेहरू रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया, ये दलील देते हुए कि इसकी तजावीज में मुसलमानों को बहुत कम नुमाइंदगी एक चौथाई दी गई थी। लीग ने मुकरना में कम अज कम एक तिहाई नुमाइंदगी का मुतालबा किया था। रिपोर्ट को पढ़ने के बाद जना ने रास्तों से अलहदगी का ऐलान किया और कांग्रेस और लीग के दरमियान ताल्लुकात खराब होने लगे। बरतानिया में होने वाले आम इंतखाबात ने पहले ही बाएं बाजू की लेबर पार्टी को कमजोर कर दिया था, जिसकी क्यादत वजीर आजम रामसे मैकडोनल्ड कर रहे थे। मजीद बरहम पहली जंग अजीम के नतज से लेबर पार्टी की हुकूमत पहले ही कमजोर हो चुकी थी, जिसने बरतानवी हिंदुस्तान में खुद मुख्तार हुकूमत की तरफ पेशरफ की नई उम्मीदों को हवा दी। मोहनदास के गांधी ने बरतानवी हिंदुस्तान में खुद हुकूमत के ख्याल को दबाने के लिए लंदन का सफर किया और तमाम हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करने का दावा किया, जबकि मुस्लिम लीग को फिरका वाराना और तफरका अंगेज करार देते हुए तनकीद की। साइमन कमीशन की रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद हिंदुस्तानी कांग्रेस ने गांधी की क्यादत में बड़े पैमाने पर सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की। मुस्लिम लीग ने साइमन रिपोर्ट पर अपनी राय महफूज रखते हुए ऐलान किया कि ये रिपोर्ट हतमी नहीं है और मामला का फैसला हिंदुस्तान में तमाम कम्युनिटीज की नुमाइंदगी करने वाले लीडरों से मशावरत के बाद किया जाना चाहिए। गोलमेज कॉन्फ्रेंसें मुनक़द हुई, लेकिन इनमें बहुत कम कामयाबी हासिल हुई, क्योंकि गांधी और लीग किसी समझौते तक पहुंचने में नाकाम रहे। गोलमेज कॉन्फ्रेंसों के वाकयात का मुशाहदा करते हुए जना सियासत और खासतौर पर कांग्रेस जैसी मरकज धारे की जमातों को अकलियती तरजीहात के हवाले से हसास बनाने से मायूस हो चुके थे। इसी दौरान 1930 में मुमताज अदीब और शायर मोहम्मद इकबाल ने एक अलहदा और खुद मुख्तार कौमी रियासत का मुतालबा किया, जिन्होंने मुस्लिम लीग के 1930 के कन्वेंशन से अपने सदारती खुतबा में कहा कि वो महसूस करते हैं कि एक अलग मुस्लिम रियासत ज़रूरी है। हिंदुस्तान मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले और मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले इंसानी ग्रोह का एक बर आज़म है। ज़ाती तौर पर मैं पंजाब, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा, सिंध और बलूचिस्तान को एक रियासत में ज़म देखना चाहता हूँ। बरतानवी सल्तनत के अंदर खुद हुकूमत या बरतानवी सल्तनत के बगैर एक मजबूत शुमाल मगरबी हिंदुस्तानी मुस्लिम रियासत की तश्कील मेरे नज़दीक कम अज़ कम शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों की आखिरी मंजिल है। कौमी रियासत का नाम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सियासियात के तालिबे इल्म और मुस्लिम कौम परस्त रहमत अली ने वज़ा किया था और 28 जनवरी 1933 को पम्फलेट नाउ और नेवर में शाया हुआ था। कौमी रियासत के नाम का नाम तख्लीक करने के बाद अली ने देखा कि शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में मुसलमानों को वतन के नामों से एक मफफ़ बनाया गया है, पंजाब के लिए पी, अफगानी के लिए की ए जो अब खैबर पख्तूनख्वा के से नाम से जाना जाता है, कश्मीर के लिए के, सिंध के लिए एस, बलूचिस्तान के लिए तान, इस तरह पाकिस्तान बनता है। पम्फलेट की इशात के बाद हिंदू प्रेस ने इस पर शदीद तनकीद की और इसमें लफ्ज़ पाकिस्तान इस्तेमाल किया, यूँ ये लफ्ज़ गर्मा गर्म बहस का मौजू बन गया। तलफ़ को बेहतर बनाने के लिए एक आई के इजाफे के साथ पाकिस्तान के नाम में मकबूलियत में इजाफा हुआ और तहरीक पाकिस्तान का आगाज हुआ और नतीजतन पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। उर्दू और फारसी जबानों में
नाम पाक यानी खालिस और सतान यानी जमीन और इस वजह से पाक सरजमीन के तस्वर को समेटता है। 1935 में बरतानवी हुकूमत ने 1937 में इंतखाबात होने के साथ ही मुंतखब हिंदुस्तानी सूबाई कानून सازوں को काफी ताकत सौंपने की तजवीज पेश की। इंतखाबात के बाद लीग ने बंगाल और पंजाब में इक्तदार संभाला, लेकिन कांग्रेस ने बेशतर दूसरे सूबों में इक्तदार हासिल कर लिया और तकनीकी मुश्किलात का हवाला देते हुए बड़ी मुस्लिम अकलियतों वाले सूबों में लीग के साथ इक्तदार मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। उसके बाद का कांग्रेसी दौर मुसलमानों में गैर मकबूल था और उसे मुस्लिम ब्राह्मणों के जरिए हिंदुस्तान हिंदू जुल्म के तौर पर देखा जाता था। मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 को हिंदुस्तानी मुसलमानों की लीग में निजात करार दिया। इसका मकसद कांग्रेसी पार्टी के तमाम अराकीन के सूबाई और मरकज दफातर से इस्तीफा देने का जश्न मनाना था। दरियासन आज़ादी के लिए मुस्लिम नजरियात रखने वालों ने भी वी डी सावरकर के 1937 में मशहूर हिंदू कौम परस्त पार्टी हिंदू महासभा के 19वें इजलास में खिताब से साबित कदमी महसूस की। इसमें इस अफसानवी इनकलाबी जिसे वीर सावरकर के नाम से याद जाना जाता है और हिंदू बुनियाद परस्त को नजरिया के मशहूर बाप के तौर पर जाना जाता है ने अपने दो कौमी नजरिया या नस्ली अखराज के बुनियादी नजरियात को पेश किया जिसने जना को गहरा मुतासर किया। 1940 में जना ने लाहौर में मुस्लिम लीग का एक जनरल इजलास बुलाया ताकि दूसरी जंग अजीम शुरू होने की वजह से पैदा होने वाली सूरतयाल और हिंदुस्तानी रहनुमाओं से मशवरा किए बगैर हुकूमत हिंद के जंग में शामिल हो जाएं। इस मीटिंग का मकसद उन वजूहात का तजिया करना भी था जो मुस्लिम अक्सरीती सूबों में 1937 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग की शिकस्त का बायस बनी। अपनी तकरीर में जना ने इंडियन कांग्रेस और कौम परस्त पर तनकीद की और दो कौमी नजरिया और अलहदा वतन के मुतालबे की वजूहात की हिमायत की। पंजाब के वजीर आला सिकंदर हयात खान ने असल करारदाद का मसवदा तैयार किया, लेकिन मुस्लिम लीग की सब्जेक्ट कमेटी की जानिब से तवील अरसे तक दोबारा मसवदा तैयार करने के बाद सामने आने वाले हतमी वर्जन को मुस्तरद कर दिया। आखिरी मतन ने बैन अल-मज़ाहिब बढ़ते हुए तशद्दुद की वजह से मुतहदा हिंदुस्तान के तसव्वुर को गैर वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया और आज़ाद रियासतों के क़याम की सिफारिश की। ये करारदाद आम इजलास में शेर बंगला बंगाली कौम परस्त ए के फजल हक चीफ मिनिस्टर बंगाल की तरफ से पेश की गई जिसकी हमायत चौधरी खलीफुल जमान और दीगर रहनुमाओं ने की और 23 मार्च 1940 को मंजूर की गई। इस करारदाद को कुछ इस तरह पढ़ा गया, कोई भी आइनी मनसूबा मुसलमानों के लिए काबिल अमल या काबिल कबूल नहीं होगा जब तक कि जगराफी मुलहका इकाइयों को खत्ों में तकसीम न किया जाए जो इस तरह की इलाकई तब्दीलियों के साथ तश्कील दी जानी चाहिए जो कि ज़रूरी हो कि जिन इलाकों में मुसलमान अददी तौर पर अक्सरियत में हैं जैसा कि हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और मशरकी जोनों में हैं उनको आज़ाद रियासतों की तश्कील के लिए ग्रुप किया जाना चाहिए जिसमें जज़वी इकाइयाँ खुद मुख्तार होंगी। ये मुनासिब मौसर और लाजमी तहफ़ात इकाइयों और ख़ों में अकलीतों के लिए उनके मजहबी सकाफती इकतदी सियासी इंतज़ामी और दीगर हकूक़ के तहफ़ के लिए उनकी मशावरत से आइन में खसूसी तौर पर मुहैया किया जाए। इस तरह मुसलमानों की हिफाजत के इंतजाम किए जाएँ जहाँ वो अकलीत में थे। मुस्लिम लीग के अहम रहनुमाओं ने इस बात पर रोशनी डाली कि पाकिस्तान एक नया मदीना होगा, दूसरे लफ्जों में दूसरी इस्लामी रियासत जैसी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक इस्लामी रियासत की तश्कील के बाद कायम की। पाकिस्तान को एक इस्लामी यूटोपिया के तौर पर तसव्वुर किया जाना था जो तुर्क खिलाफत का जानशीन और पूरी इस्लामी दुनिया का रहनुमा और मुहाफ़िज़ था। इस्लामी स्कॉलर्स ने इस बात पर बहस की कि क्या मजवजा पाकिस्तान के लिए सही मानों में एक इस्लामी रियासत बनना मुमकिन है जबकि कांग्रेस की आला क़यादत 1942 की हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के बाद जेल में थी। हिंदुस्तानी मुसलमानों के दरमियान एक अलहदा वतन के क्याम पर शदीद बहस जारी थी। बरेलवियों और बरेलवी उलमा की अक्सरियत ने क्याम पाकिस्तान की हमायत की और मुस्लिम लीग ने पीरों और सुन्नी उलमा को ये जाहिर करने के लिए मुतहर्रक किया कि हिंदुस्तान के मुस्लिम आवाम एक अलग मुल्क चाहते हैं। बरेलवियों का ख्याल था कि हिंदुओं के साथ कोई भी तआमुल नतीजा खेज साबित नहीं होगा। दूसरी तरफ मौलाना हुसैन अहमद मदनी की क्यादत में ज़्यादातर देवबंदियों ने क्याम पाकिस्तान और दो कौमी नजरिया के मुखालिफ थे। उनके नज़दीक मुसलमान और हिंदू एक कौम हो सकते हैं और मुसलमान सिर्फ मजहबी एतबार से अपनी एक कौम है ना कि इलाकाई एतबार से। देवबंदी उलमा जिन मौलाना अशरफ अली थानवी मुफ्ती मोहम्मद शफी और मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी मुस्लिम लीग के अलग पाकिस्तान बनाने के मुतालबे के हामी थे। मुसलमान जो इन सूबों में रह रहे थे
जहां वो आबादियाती तौर पर रख लिए थे, जैसे कि मुतहदा सूबे जहां मुस्लिम लीग को अहमी हमायत हासिल थी। जिन्ना ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो हिंदुस्तान में रह सकते हैं, पाकिस्तान हिजरत कर सकते हैं या हिंदुस्तान में रहना जारी रख सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी शहरी के तौर पर। 1946 की दस्तूर साज असम्बली के इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए मखसूस 496 नशस्तों में से 425 पर कामयाबी हासिल की, कुल वोटों का 99.2% पोलिंग। कांग्रेस ने अब तक मुस्लिम लीग के हिंदुस्तानी मुसलमानों की नुमाइंदा होने के दावे को तस्लीम करने से इनकार किया था, लेकिन आखिरकार इस इलेक्शन के नतज के बाद लीग के दावे को मान लिया। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के मुतालबे को हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से ज़बरदस्त पजीराई मिली, खासतौर पर उन मुसलमानों की जो यूपी जैसे सूबों में रह रहे थे जहां वो अकलियत थे। अंग्रेज़ों के पास हिंदुस्तान को मजीद बरकरार रखने की ना तो ख्वाहिश थी, ना माली वसाइल या फौजी ताकत, लेकिन वो तकसीम से बचने के लिए भी पुरअज़म थे और इस मकसद के लिए उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान तरतीब दिया। इस मनसूबे के मुताबिक हिंदुस्तान को मुतहद रखा जाएगा, लेकिन हिंदू और मुस्लिम अक्सरियती सूबों की अलग अलग ग्रुप बंदियों के साथ हैवेली से डिसेंट्रलाइज किया जाएगा। मुस्लिम लीग ने इस मनसूबे को कबूल कर लिया क्योंकि इसमें पाकिस्तान का एसेंस था, लेकिन कांग्रेस ने इसे मुस्तरद कर दिया। कैबिनेट मिशन प्लान की नाकामी के बाद जिन्ना ने मुसलमानों से एक अलहदा पाकिस्तान के क्याम का मुतालबा करने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का मुतालबा किया। डायरेक्ट एक्शन डे कलकत्ता में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान पुरतशद्दुद फसादात में तब्दील हो गया, जिसमें तशद्दुद नस्ली सफाई के अनासर को जाहिर कर रहा था। कलकत्ता में फसादात के बाद दीगर जगहों पर शदीद फिरकावाराना फसादात हुए, बशमूल नवाखली जहां हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमला किया और बिहार जहां हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमला किया अक्टूबर में, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर नकल मकानी हुई। मार्च 1947 में इस तरह का तशद्दुद पंजाब तक पहुंच गया, जहां रावलपिंडी डिवीजन में मुसलमानों ने सिखों और हिंदुओं का कत्लेआम किया और उन्हें निकाल बाहर किया। बरतानवी वजीर आजम एटलियन लॉर्ड लुइस माउंटबेटन को हिंदुस्तान का आखिरी वायसराय मुकर्रर किया, ताकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी और फौरी तौर पर बरतानवी इनकलाब पर बातचीत की जा सके। माउंटबेटन समेत बरतानवी रहनुमाओं ने पाकिस्तान की तख्लीक की हमायत नहीं की, लेकिन वो जनाह को कायल करने में नाकाम रहे। 1947 के अवाइल में अंग्रेज़ों ने जून 1948 तक हिंदुस्तान को उसकी आज़ादी देने की ख्वाहिश का ऐलान किया था, ताहम लॉर्ड माउंटबेटन ने तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया। जून में होने वाली एक मीटिंग में नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस की नुमाइंदगी करते थे, जिन्ना मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी करते थे, बी आर अम्बेडकर अछूत बरादरी की नुमाइंदगी करते थे और मास्टर तारा सिंह सिखों की नुमाइंदगी करते थे। मजहबी खतूत पर हिंदुस्तान की तकसीम पर रजामंद हुए। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की, अगले दिन हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। बरतानवी हिंदुस्तान के दो सूबों में पंजाब और बंगाल को रेड क्लब कमीशन ने मजहबी खतूत पर तकसीम किया था। माउंटबेटन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने रेड क्लब कमीशन को भारत के हक में लकीर खींचने के लिए मुतासर किया। पंजाब का ज़्यादातर मुस्लिम मगरबी हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और उसका ज़्यादातर हिंदू सिख मशरकी हिस्सा भारत में चला गया, लेकिन पंजाब के मशरकी हिस्से में नमाया मुस्लिम अकलियतें थीं और इसी तरह पंजाब के मगरबी इलाकों में भी बहुत से हिंदू और सिख आबाद थे। पंजाब में शदीद फिरकावाराना फसादात ने हिंदुस्तान और पाकिस्तानी हुकूमतों को मजबूर किया कि वह पंजाब में रहने वाली मुस्लिम और हिंदू सिख अकलियतों की जबरी आबादी के तबादले पर रजामंद हो जाएं। इस आबादी के तबादले के बाद सिर्फ चंद हज़ार निचली जात के हिंदू पाकिस्तान के पंजाब में रह गए और सिर्फ एक छोटी सी मुस्लिम आबादी नई हिंदुस्तान के पंजाब के हिस्से में वाके वालर कोटला के कस्बे में रह गई। 10 मिलियन से ज़्यादा लोग नई सरहदों के आर पार हिजरत कर गए और पंजाब में फिरकावाराना फसादात के दौरान 2 लाख से 20 लाख के दरमियान लोग मारे गए, जिसको कुछ उलमा ने मजाहब के दरमियान इंतकाम में नस्ल कुशी करार दिया है। पाकिस्तानी हुकूमत ने दावा किया कि 50,000 मुस्लिम खातिन को हिंदू और सिख मर्दों ने अगवा किया और उनकी असमत दरी की, और इसी तरह हिंदुस्तानी हुकूमत ने दावा किया कि मुसलमानों ने 33,000 हिंदू और सिख खातिन को अगवा किया और उनकी असमत दरी की। दोनों हुकूमतों ने अगवा की खातिन की वापसी पर इत्तेफाक किया और 1950 की दहाई में हज़ारों हिंदू सिख और मुस्लिम खातिन को उनके खानदानों के पास वापस भेज दिया गया। कश्मीर का तनाज़ा पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहली जंग में बढ़ गया। ये तनाज़ा अभी तक हल तलब है।